एक दिन बोने एक घने जंगल में पहुंचे। जंगल में खूबसूरत पौधे और दरख्त लगे हुए थे। बोनो ने कहा, कितनी अच्छी जगह है, हम यहाँ अपना घर बना लेते हैं। यहाँ खाने की हर चीज मौजूद है और यहाँ नींद भी अच्छी आएगी। बोने वहां घर बनाकर रहने लगे। लेकिन एक दिन बादशाह के आदमियों ने जंगल के दरख्तों को काटना शुरू कर दिया। जंगल उजड़ने लगा। परिंदों ने अपने घोंसलों को छोड़ दिया। बोने जंगल की हालत देखकर रोने लगे। फिर बोनो ने बादशाह के पास जाने का फैसला किया। दरबार में पहुंचकर बोनो ने बादशाह से इल्तजा की कि वो दरख्तों को ना काटे। दरख्त हमारी जरूरत है, हमें खुराक और साफ हवा देते हैं और मौसम की सख्ती से भी बचाते हैं। बादशाह ने उनकी बात नहीं मानी और जंगल के कई दरख्त काट दिए। बोने बहुत उदास थे। जंगल खत्म। फिर वहां सैलाब आ गया। जंगल ना होने की वजह से सारा पानी बादशाह के महल में आ गया। बहुत नुकसान हुआ। बादशाह को बोने की बात याद आई। उसे समझ आ गया कि जंगल क्यों जरूरी है। बादशाह के हुक्म पर वहां दोबारा दरख्त लगाए गए। परिंदे दोबारा घोंसले बनाने लगे। दरख्त और पौधे झूमने लगे। जंगल फिर आबाद हो गया। बोने खुश हो गए।